सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आज कई अहम व बड़ी खबर को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। आइए कुछ मिनटों में फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबरों पर। भदोही ब्लॉक के तुलसीचक ग्राम प्रधान लालजी यादव सहित चार लोगों पर भदोही कोतवाली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत पर हैंडपंप रिबोर जांच के लिए टीम मंगलवार को तुलसीचक ग्राम सभा में पहुंची थी। जांच अधिकारियों के सामने ही जमकर मारपीट हो गई थी। मारपीट में कई लोग घायल हो गए थे। अब इस मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ग्राम प्रधान लालजी यादव सहित पंकज यादव, सूरज यादव, रामधनी यादव पर केस दर्ज किया है। साथ ही छह लोगों को शांति भंग की आशंका में पाबंद किया है। भदोही जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बुधवार को 10 और नए डेंगू मरीज पाए गए हैं। अब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर भदोही जिले में 103 पहुंच गई है। जिला मलेरिया अधिकारी राम आसरे ने बताया कि जांच में बुधवार को 10 और डेंगू मरीज पाए गए हैं। अब भदोही जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 103 पहुंच गई है। भदोही जिले में 237 मरीज संदिग्ध हैं। आपको बता दें कि भदोही जिले में तेजी के साथ डेंगू पाव पसार रहा है, लेकिन नगर पालिका भदोही, नगर पंचायत खमरिया, ज्ञानपुर व घोसिया में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। फॉगिंग न कराए जाने से इलाके के लोगों में नाराजगी है। मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित मरीजों से प्राइवेट व सरकारी अस्पताल पटे पड़े हैं। वहीं निजी अस्पतालों में बुखार के इलाज के नाम पर मनमानी पैसा लिए जाने की भी मरीज लगातार शिकायत कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे मरीजों के परिजनों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। अपने पड़ोसी एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया युवक नहाते समय गंगा में समा गया। इस घटना से घाट पर कोहराम मच गया। गोपीगंज के गोपुर निवासी 35 वर्षीय श्यामजीत उर्फ छांगुर गौतम अपने पड़ोस के जय नारायण नामक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जहांगीराबाद गंगा घाट पर गया हुआ था। अंतिम संस्कार के बाद लोगों के साथ युवक भी गंगा स्नान कर रहा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में समाने लगा। नजारा देख साथ में मौजूद लोग चीखने चिल्लाने लगे। तब तक युवक गंगा के गहरे पानी में समा चुका था। सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। हादसे के बाद युवक के परिजनों सहित गंगा घाट पर कोहराम मच गया था। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार व अवैध वसूली के खिलाफ अधिवक्ताओं ने बिगुल फूंक दिया है। भदोही तहसील के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एसडीएम कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। भदोही तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार व वसूली के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि सुविधा शुल्क लेकर उल्टा सीधा आदेश दिया जा रहा है। बगैर सुविधा शुल्क भदोही तहसील में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। धारा 229B कब्जा, 116 बंटवारा, कागजात दुरुस्ती में जमकर धन उगाही की जा रही है। अधिवक्ताओं ने अवैध वसूली व भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। प्रदर्शन करने वालों में एडवोकेट अमित पांडे, लालधर पांडे, अमित दुबे, श्याम नारायण यादव, वकील चंद बिंद आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। युवतियों ने दुर्गा पूजा पंडाल पर देवी गीतों के बीच गरबा डांस कर माहौल भक्तिमय कर दिया था। भदोही ब्लॉक के मई हरदो पट्टी रजपुताना गांव में श्री नव दुर्गा पूजा समिति ने चौरा माता मंदिर पर नवरात्र पर प्रतिमा स्थापित की है, जहां पूजा पंडाल पर युवतियों ने गरबा की शानदार प्रस्तुति कर इलाके को भक्तिमय कर दिया। भक्ति गीतों पर युवतियों के गरबा डांस पर मौजूद ग्रामीणों ने खूब तालियां बजाई। इस मौके पर सनी कन्नौजिया, धर्मेंद्र कन्नौजिया, सुशील शर्मा, राघवेंद्र पंकज आदि भक्तगण मौजूद रहे। औराई ब्लॉक के खड़गपुर ग्राम सभा के पंचायत भवन के दरवाजे का ताला टूटा देख पैरों तले जमीन खिसक गई। खड़गपुर पंचायत भवन के टूटे ताले की सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई। पंचायत सहायक ने औराई पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में सिर्फ ताला टूटने की बात बताई है।
पंचायत सहायक ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में कोई भी सामान चोरी होने की बात नहीं बताई गई है। पंचायत सहायक ने कहा कि जब वह सुबह 11:15 पर पंचायत भवन पहुंचा तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, जबकि ग्राम प्रधान अमरजीत पाल ने मीडिया को दिए गए बयान में इन्वर्टर, बैटरी, कंप्यूटर, सीसीटीवी का डीवीआर जैसे सामानों की चोरी होने की बात बताई है। उधर पंचायत सहायक के तहरीर व ग्राम प्रधान के बयान को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। इलाके के लोग चोरी की घटना को संदिग्ध मान रहे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर भदोही जिले के किसानों ने ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है और मुआवजा भुगतान के संबंध में डीएम को एक पत्र सौंपा है। उत्तर प्रदेश किसान सभा के बैनर तले जिला मुख्यालय पहुंचे भदोही सूर्यामा दुर्गागंज के किसानों ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए वाराणसी से मछली शहर तक हो रहे हाईवे निर्माण में अधिकृत की गई भूमि के मुआवजे भुगतान की मांग की है। कहा कि जिस व्यक्ति का मकान या दुकान प्रभावित हो रहा है उसको जमीन मुआवजे के साथ साथ दुकान व मकान का मुआवजा भी दिया जाए, सहित कुल 7 सूत्री मांग पत्र किसानों ने सौंपा है। पत्र सौंपने वालों में किसान नेता इंद्रदेव पाल सहित मुंशी अली, संदीप मौर्य, अजय शर्मा, राजेश विश्वकर्मा आदि किसान मौजूद रहे। औराई तहसील बार एसोसिएशन से बातचीत के लिए पहुंचे अपर जिला अधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य व अधिवक्ताओं की बातचीत विफल रही, मान मनोवल पूरी तरह विफल रहा। आपको बता दें कि औराई एसडीएम व तहसीलदार के तबादले की मांग को लेकर औराई तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दृढ़व्रत मिश्रा व महामंत्री बाबूलाल यादव के नेतृत्व में अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 15वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। अधिवक्ताओं से बातचीत के लिए अपर जिलाधिकारी औराई तहसील पहुंचे थे और अधिवक्ताओं से प्रदर्शन समाप्त कर काम पर लौटने की बात कह रहे थे, लेकिन 15वें दिन भी मान मनोवल विफल रहा। उधर औराई एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वालों में अधिवक्ता रामकिशुन यादव, अमरेश यादव, संदीप चौबे, शिव प्रसाद गौतम आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र एस बिंद को पार्टी ने भदोही लोकसभा का प्रभारी नामित किया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भदोही जिले के निवासी राजेंद्र एस बिंद को भदोही लोकसभा क्षेत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण तथा सेक्टर बूथ गठित कराने के लिए प्रभारी नामित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर राजेंद्र एस बिंद को यह बड़ी जिम्मेदारी भदोही में मिली है। मिशन शक्ति फेज 4 अभियान के तहत औराई सीओ डॉक्टर यूपी सिंह, इंस्पेक्टर नागेंद्र प्रताप सिंह, शक्ति दीदी व दलबल के साथ औराई मलिन बस्ती में पहुंचे थे, जहां महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक करते हुए उन्हें निडर रहने के लिए प्रेरित किया है। मिशन शक्ति का पंपलेट वितरण करते हुए महिलाओं को कहा कि आप निडर रहें, शासन द्वारा चलाए जा रहे हेल्पलाइन नंबर व भदोही पुलिस आपके साथ है। मलिन बस्ती में पहुंचे सीओ औराई डॉक्टर यूपी सिंह ने बच्चियों के बीच मिष्ठान का भी वितरण किया। इस दौरान एक महिला ने बच्चे के बीमार होने की शिकायत की। सीओ ने फौरन शक्ति दीदी मोनिका राजभर को एम्बुलेंस बुलाने का आदेश दिया। एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। इसी तरह कई महिलाओं ने सीओ से आधार कार्ड सहित अन्य मामलों की शिकायत की। मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया गया। अखिल भारतीय यादव महासंघ के पदाधिकारी बुधवार को भदोही जिले के डीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपते हुए देवरिया के फतेहपुर में हुई हत्या मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। यादव महासंघ ने एक पक्षी कार्रवाई व बयानबाजी पर नाराजगी जताई है। कहा कि प्रेमचंद यादव के परिवार को रोजमर्रा का सामान देने व सहयोग करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रेमचंद यादव के रिश्तेदारों को फर्जी ढंग से फंसाया जा रहा है। पत्र सौंपने वालों में रामधर उर्फ पंचू यादव, संतलाल यादव, सर्वेश यादव, विनोद यादव, श्याम बहादुर यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के मूसी लाटपुर जिला खेल स्टेडियम में खेल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भदोही शहर के इंदिरा मिल जीवन दीप हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर एके गुप्ता ने 16 खिलाड़ियों में स्पोर्ट किट का वितरण किया है। खेल किट हाथ लगते ही खिलाड़ियों के चेहरे खिल गए। इस दौरान डॉक्टर एके गुप्ता ने कहा कि इससे हमारे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन होगा। उनके द्वारा खिलाड़ियों के प्रति एक छोटा सा प्रयास है। इस मौके पर शिवाकांत यादव, राजकमल, यास्मीन बानो, शाहिन बानो, महेश यादव आदि मौजूद रहे।
अभोली ब्लॉक के बीरमपुर में खेलकूद प्रतियोगिता में नन्हे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब के बैनर तले बीरमपुर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। इस प्रतियोगिता में एकल विद्यालय के 620 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी दौड़, ऊंची लंबी कूद जैसे खेलों का आयोजन कराया गया था। 100 मीटर दौड़ में आस्था बिंद, 200 मीटर दौड़ में आंचल गौतम, 400 मीटर दौड़ में इश्तियाक ने जहां बाजी मारी, वहीं ऊंची कूद में सलमान अली व लंबी कूद गौरव बिंद ने अपने नाम दर्ज किया है। कबड्डी प्रतियोगिता में बीरमपुर की बालिका वर्ग प्रथम रही। बच्चों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राम कृपाल भारती, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, सुभाष चंद बिंद, जिला जीत आदि मौजूद रहे। बुधवार को क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य अतुल कुमार मिश्रा ने भदोही व चौरी के परसीपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। साथ ही अवैध बिल्डरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई का निर्देश दिया है। टिकट आरक्षण कक्ष, प्रतीक्षालय व साफ सफाई सहित अन्य बिंदुओं पर निरीक्षण करते हुए स्टेशनों पर बनी समस्याओं को दूर किए जाने का निर्देश दिया है। भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर महिला शौचालय न होने पर सदस्य अतुल कुमार मिश्रा ने नाराजगी जताई है। कहा कि जल्द ही इसका निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक बीबी मिश्रा सहित सदस्य के अन्य लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर के छत्र शाहपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय पर न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों ने खेलकूद प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाया, जिसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी, गोला, डिस्कस जैसे खेलों का आयोजन किया गया था। खेल प्रतियोगिता में न्याय पंचायत के 10 विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। इस मौके पर प्रधानाध्यापक नंदलाल गुप्ता, सुरेश चंद, मूलचंद गुप्ता आदि मौजूद रहे। मिशन शक्ति अभियान के तहत एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान भदोही शहर के स्टेशन रोड बिलाल मुसाफिर खाना मलिन बस्ती पहुंची थी। मिशन शक्ति अभियान की जागरूकता के लिए जन चौपाल का आयोजन किया गया था। जन चौपाल में एसपी ने महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया। महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर सीओ अजय कुमार चौहान, इंस्पेक्टर अजय सेठ सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। सीएम योगी के आदेश के बाद अब भदोही में भी ग्राम अदालत का आयोजन किया जाएगा। डीएम गौरांग राठी ने बताया कि ग्राम अदालत में लंबित वादों का निस्तारण कराया जाएगा। राजस्व के न्यायिक कार्यों में तेजी लाने के लिए 20, 26 व 27 अक्टूबर को विशेष ग्राम अदालत दिवस मनाया जाएगा। डीएम ने तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व न्यायिक तहसीलदारों को राजस्व वादों व न्यायिक कार्यों की सुनवाई में तेजी लाते हुए निर्णय करने का निर्देश दिया है। सत्यम न्यूज पर मिलेंगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। अगर आप भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन को दबा दें ताकि भदोही जिले की खबर आपको मिलती रहे। आपके पास भी है अगर कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को सूचित कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।